Alright, so here's the thing. यहाँ पर मेरे पास एक थोड़ा बहुत हाई एंड टाइप का गेमिंग सिस्टम मौजूद है जिसमें Ryzen 5 5600X, which is slightly overclocked, colorful का RTX 3060 Ti, 16GB RAM, NVMe SSD, 3 hard drive और first player Steampunk Gold 850W की PSU लगी हुई है. So now the question is, कि आपको क्या लगता है इस पूरे सिस्टम की फुल गेमिंग लोड के ऊपर पावर कंजम्पशन तकरीबन कितनी होगी? 400 वाट, 450 वाट, 500 वाट? Well, let me know in the comments before watching the entire video. Let's roll the intro. Hi everyone, this is me, guy that does everything, and welcome back to another interesting video. So, पिछले कुछ दिनों से मैं एक वीडियो के ऊपर काम कर रहा हूँ जो कि गेमिंग कंप्यूटर की पावर कंजम्पशन के बारे में है कि गेमिंग कंप्यूटर से बिजली का बिल कितना ज्यादा आता है. So, उस टेस्टिंग के दौरान जो रिजल्ट निकल कर सामने आए, they were like very interesting. And I'm pretty sure कि उस रिजल्ट को देखने के बाद बहुत से लोगों के मिसकंसेप्शंस काफी हद तक दूर होंगे. But at the same time, I thought कि उस वीडियो को देखने के बाद हो सकता है कि कुछ लोगों के माइंड में थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन भी क्रिएट हो जाए. So इसीलिए मैंने सोचा कि पूरी सेपरेट वीडियो ही बना डालते हैं ताकि सारी की सारी कन्फ्यूजन दूर की जा सके. अब वो कन्फ्यूजन है क्या? Let's find out. Alright, so यहाँ पर मेरे पास एक थोड़ा बहुत हाई एंड टाइप का गेमिंग सिस्टम मौजूद है जिसमें Ryzen 5 5600X, which is slightly overclocked, colorful का RTX 3060 Ti, 16GB RAM, NVMe SSD, 3 hard drive और एक अदद First Player Steampunk Gold की 850W वाली power supply लगी हुई है. So what do you guys actually think कि इस पूरे सिस्टम का total power consumption on full gaming load कितना होगा? 400 वाट, 450 वाट, 500 वाट? Well, it's only consuming from 330 to 340 watts. सिर्फ और सिर्फ 330 वाट से लेके 340 वाट की ये पूरा सिस्टम पावर कंज्यूम कर रहा है. Okay, so that's indeed quite confusing, isn't it? I mean, जब मेरे सिस्टम की टोटल पावर कंजम्पशन ही तकरीबन 330 से 340 वाट के दरमियान है, so does that mean कि क्या मैंने अपने सिस्टम में 850 वाट वाली पावर सप्लाई लगवाकर सिर्फ और सिर्फ अपना पैसा जाया किया है? एंड बिकॉज इट्स ओनली कंज्यूमिंग अंडर 350 वाट्स, सो क्या इस सिस्टम में 550 वाट की पावर सप्लाई को भी लगाया जा सकता है? वेल नो, क्योंकि यहां पर कहानी में थोड़ा ट्विस्ट है. इस तरह के जो मीटर्स होते हैं वो हमें सिर्फ RMS वैल्यूज या एवरेज वैल्यूज ही शो करवाते हैं बिकॉज देयर रिस्पॉन्स टाइम इज वेरी स्लो. लेकिन कंप्यूटर में MOSFET स्विचिंग के दौरान जो सडन करंट स्पाइक्स या पावर स्पाइक्स जनरेट होते हैं वो हम इन मीटर्स के थ्रू नहीं देख सकते. सो उसके लिए आई विल बी यूजिंग दिस डिवाइस जिसे करंट क्लैंप प्रोब कहा जाता है. बाकी जो मीटर्स होते हैं उनका जो रिस्पॉन्स टाइम होता है वो तकरीबन 2 से 3 रीडिंग्स पर सेकेंड का होता है. बट दिस हैज़ द रिस्पॉन्स टाइम ऑफ 20,000 रीडिंग्स पर सेकेंड. 2 से 3 रीडिंग्स पर सेकेंड वर्सेस 20,000 रीडिंग्स पर सेकेंड. सो अब मैं इस करंट क्लैंप प्रोब को ऑसिलोस्कोप के साथ कनेक्ट करूंगा ताकि हम करंट की एक एक वेव फॉर्म को अच्छी तरह देख सकें. ओके, सो मैंने करंट क्लैंप प्रोब को प्रोसेसर और GPU दोनों की प्लस 12 वोल्ट रेल के साथ कनेक्ट किया हुआ है और ये करंट क्लैंप प्रोब करंट की रीडिंग्स को वोल्टेज की रीडिंग्स में कन्वर्ट करके यहाँ ऑसिलोस्कोप पर शो करवा रहा है. And I promise you guys, I'm not gonna make things complicated, क्योंकि I'm pretty sure कि आधी से ज़्यादा आवाम जो है वो ऑसिलोस्कोप को देख कर ही शॉर्ट हो चुकी होगी. So I'm gonna keep things as simple as possible for you guys, right? So यहाँ पर हमारे पास फुल गेमिंग लोड की करंट वेव फॉर्म शो हो रही है. एंड एज यू कैन क्लियरली सी कि जो करंट की जो वेव फॉर्म है या जो करंट का सिग्नल है वो स्ट्रेट लाइन में होने के बजाय उसमें कंटिन्यूसली फ्लक्चुएशंस आ रही हैं. बहुत ज़्यादा उसके अंदर पावर स्पाइक्स या ट्रांजिएंट स्पाइक्स जनरेट हो रही हैं. वैसे तो एवरेज जो हमारे पास या RMS वैल्यू जो आ रही है करंट की वो तकरीबन 19 से 20 एम्पेयर आ रही है. लेकिन इस वैल्यू से हमें लेना देना नहीं है, हमें मैक्सिमम जो पीक की वैल्यू है उससे लेना देना है, वो हमें मेजर करनी है. सो यहाँ पर अगर हम देखें पीक टू पीक के मेन्यू में जो मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास जनरेट हो रही है स्पाइक की वो है 34.4 एम्प्स. That is insane. और अगर वॉट निकालने के लिए वॉटेज निकालने के लिए 34.4 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं
सो हमारे पास 412 वॉट की वैल्यू आती है, 412 वॉट जो कि मैक्सिमम पीक वोल्टेज की वैल्यू है, और ये पीक वोल्टेज की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ प्रोसेसर और जीपीयू की है। इसमें बाकी कंपोनेंट्स जैसे कि मदरबोर्ड जो पावर लेता है वो शामिल नहीं है, रैम का पावर शामिल नहीं है, एनवीएमई एसएसडी, हार्ड ड्राइव, अगर इन सब के पावर को हम शामिल करें तकरीबन 100 वाट का अगर हम कंसिडर करें, सो दैट मेक्स द टोटल पीक वॉटेज ऑफ 512 वाट्स। 512 वाट का मैक्सिमम पीक पावर ये सिस्टम पावर सप्लाई से लेता है। ऑलराइट, सो अब हमारे पास मैक्सिमम पीक वोल्टेज के नंबर्स आ चुके हैं विच इज़ 512 वॉट्स यानी 512 वॉट। नाउ इट्स ऑलवेज अ गुड प्रैक्टिस कि आप किसी भी पावर सप्लाई को उसकी मैक्सिमम लिमिट तक यूज़ ना करें, क्योंकि ऐसा करने से उस पावर सप्लाई की वोल्टेज रेगुलेशन और एफिशिएंसी के ऊपर काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। सो हमारे पास पावर सप्लाई के लिए तकरीबन 200 से 250 वॉट का एक्स्ट्रा हेडरूम तो होना चाहिए, स्पेशली इफ़ यू यूजिंग ए हाई एंड गेमिंग सिस्टम। सो दैट बीइंग सेड, अब मैं इस 512 में 250 को ऐड कर देता हूँ एंड दिस गिव्स अस द फाइनल वैल्यू ऑफ 762 वॉट्स यानी 762 वॉट्स। सो इसका मतलब है कि अगर मैं अपने सिस्टम में 750 वॉट की पावर सप्लाई को यूज़ करता हूँ तो ना सिर्फ ये पावर सप्लाई मेरे सिस्टम की मैक्सिमम पावर स्पाइक्स को हैंडल कर पाएगी, पर उसके साथ साथ इट विल ऑल्सो बी रनिंग विद मैक्सिमम एफिशिएंसी बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा हेडरूम। सो इन शॉर्ट, अब जो मैं बात करने जा रहा हूँ उसको अपने दिमाग में अच्छी तरह बिठा लो। जिंदगी में कभी भी दो चीज़ों में कभी कंजूसी मत दिखाना, पहला डेट मारते वक्त और दूसरा पावर सप्लाई लेते वक्त, क्योंकि अगर डेट मारते वक्त कंजूसी दिखाई तो बच्ची हाथ से जाएगी, और अगर पावर सप्लाई लेने में कंजूसी दिखाई तो पूरा का पूरा गेमिंग पीसी हाथ से जाएगा। अच्छा, यहाँ पर मैं एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ऐड कर दूँ, इस वीडियो में जो हमने सारी की सारी कैलकुलेशंस निकाली हैं वो बेसिकली हाई एंड गेमिंग सिस्टम्स के लिए हैं, क्योंकि आजकल जो प्रोसेसर्स और जीपीयूज़ आ रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा पावर हंग्री हैं, सो उन्हीं में ये करंट स्पाइक्स और पावर स्पाइक्स का चक्कर रहता है। सो अगर आपके पास 4 जनरेशन से लेकर 7 जनरेशन तक का गेमिंग सिस्टम है सो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। कोई सी भी आप लोगों ने 80 प्लस ब्रॉन्ज की DC to DC वाली पावर सप्लाईज लगानी है एंड इट्स गोना बी मोर देन इनफ फॉर योर सिस्टम। एंड टॉकिंग ऑफ बजट पावर सप्लाईज, जो मेरी नेक्स्ट वीडियो है वो इन्हीं बजट पावर सप्लाईज के बारे में है कि आप लोगों ने कौन सी 80 प्लस ब्रॉन्ज की पावर सप्लाईज अपने लो बजट गेमिंग सिस्टम में या मिड रेंज गेमिंग सिस्टम में यूज़ करनी है। सो मेक श्योर यू आर सब्सक्राइब टू द चैनल सो यू वोंट मिस दैट वीडियो। ऑलराइट, सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप यू गोना अप्रिशिएट दिस एफर्ट बाय लाइकिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइबिंग टू द चैनल, क्योंकि मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान में आप लोगों को इस तरह के इन डेप्थ टेक्निकल कॉन्टेंट कभी देखने को मिलेंगे। सो आई होप यू गोना अप्रिशिएट दिस एफर्ट ऑफ माइन एंड आई विल सी यू विद द नेक्स्ट वन। बाय।